हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंडीशंस इन विच डिलीवरी इज नॉट नेसेसरी। इसके पहले की क्लास में हमने देखा था मीनिंग ऑफ हिबा के बारे में, मीनिंग क्या होती है हिबा की, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को। उसके बाद हमने एसेंशियल कंडीशंस और बेसिक रिक्वायरमेंट्स हिबा की क्या क्या होती है उसके बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें लास्ट वाला पॉइंट हमने पढ़ा था डिलीवरी ऑफ पोजेशन एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है हिबा की। लेकिन उसके भी कुछ एक्सेप्शंस के बारे में हम आज पढ़ेंगे जो यहाँ मैंने मेंशन कर रखे हैं। देखते हैं एक एक करके कंडीशंस इन विच डिलीवरी ऑफ पोजेशन इज नॉट नेसेसरी, जिसमें पहला पॉइंट है आपका गिफ्ट बाय द फादर और अ गार्जियन। अगर किसी फादर या किसी गार्जियन ने अपने किसी ल्यूनेटिक चाइल्ड को या माइनर को किसी तरह का कोई गिफ्ट किया है, हिबा किया है, तो वहाँ पे डिलीवरी ऑफ पोजेशन असेंशियल नहीं होगा, रिक्वायर्ड नहीं होगा। बिकॉज जो ल्यूनेटिक है, माइनर है, वो अपनी प्रॉपर्टी को डिलीवर, अपहोल्ड या रिटेन करने के लिए केपेबल नहीं होता है। इसलिए यहाँ अंडरस्टूड है, मान लिया जाता है कि यहाँ डिलीवरी ऑफ पोजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड और ऐसा किया गया जो हिबा होगा वो वैलिड होगा। सेकेंड पॉइंट, पहला हमने देखा गिफ्ट बाय फादर और अ गार्जियन, जिसमें डिलीवरी ऑफ पोजीशन इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन द गिफ्ट इज मेड टू अ ल्यूनेटिक पर्सन और अ माइनर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डोनर एंड डोनी बोथ रिसाइड्स इन द गिफ्टेड हाउस। जो डोनर है, जो प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर रहा है, और डोनी साथ में ही एक हाउस में रहते हैं और उस हाउस को डोनर ने डोनी को गिफ्ट कर दिया है, तो इस कंडीशन में भी डिलीवरी ऑफ पोजेशन नेसेसरी नहीं होगा, रिक्वायर्ड नहीं होगा और ये मान लिया जाएगा कि डिलीवरी ऑफ पोजेशन हो गया है। यहाँ इस कंडीशन में भी ये वैलिड हिबा हो जाएगा, इसका एक्सेप्शन हो जाएगा जो आपका लास्ट पॉइंट था एसेंशियल कंडीशंस में कि डिलीवरी ऑफ पोजेशन इज नेसेसरी फॉर द वैलिड हिबा और गिफ्ट। तो हमने दो एक्सेप्शन देखे हैं कि कब डिलीवरी ऑफ पोजेशन नेसेसरी नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं, जिसमें पहला पॉइंट देखा था गिफ्ट बाय द फादर और अ गार्जियन टू हिज लियोनेटिक चाइल्ड और हिज माइनर चाइल्ड, और सेकंड में हमने देखा है डोनर एंड डोनी बोथ रिजाइड्स इन द गिफ्टेड हाउस और इन द सेम हाउस। इन दो, ये दो कंडीशंस हमने पढ़ ली कि कब डिलीवरी ऑफ पोजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, जिसमें एक केस लॉ है आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट का, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, मोस्ट लीडिंग केस है। इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा हमीरा बीबी वर्सेज नजीमुन्निसा का केस आया था, इसमें भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यही बात कही कि अगर डोनी और डोनी दोनों एक साथ एक सेम हाउस में ही रिजाइड करते हैं, साथ साथ ही रहते हैं और उस घर को डोनर डोनी को गिफ्ट कर देता है, तो यहाँ पे डिलीवरी ऑफ पोजेशन जरूरी नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है और ऐसा किया गया गिफ्ट हिबा वैलिड हिबा होगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट में आपका गिफ्ट बाई हस्बैंड टू द वाइफ और वाइफ टू द हस्बैंड। अगर हस्बैंड ने अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को, मूवेबल या इमूवेबल किसी भी तरह की कोई भी प्रॉपर्टी है, अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दिया है, हिबा में दान दे दिया है, या फिर वाइफ ने अपने हस्बैंड को कोई गिफ्ट किया है, हिबा किया है, तो इस कंडीशन में भी डिलीवरी ऑफ पोजेशन नेसेसरी नहीं होगा, क्योंकि इन द आई ऑफ लॉ ये माना जाता है कि हस्बैंड और वाइफ एक ही पर्सन है। तो यहाँ इसलिए जब गिफ्ट हस्बैंड कर रहा है वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को गिफ्ट करती है, तो डिलीवरी ऑफ पोजेशन जरूरी नहीं होगा और ये भी एक वैलिड हिबा माना जाएगा। एक एक्सेप्शन, ये तीन एक्सेप्शन को हमने देख लिया कि कब प्रॉपर्टी की डिलीवरी नेसेसरी नहीं है, एक वैलिड हिबा भी मान लिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, वेयर द प्रॉपर्टी इज ऑलरेडी इन पोजेशन ऑफ द डोनी। डोनी को जो गिफ्ट किया है डोनर ने, वो ऑलरेडी उसके पोजेशन में है। मान लेते हैं कि एक हाउस था, डोनी उसमें ऑलरेडी रह रहा था, जब हिबा किया गया उसके पहले उसके पास सिर्फ और सिर्फ पोजीशन था, ओनरशिप नहीं था, डोनर ने उसको ओनरशिप नहीं दिया था। जब डोनर ने उसको ओनरशिप दे दी तो डोनी ऑलरेडी पोजीशन में है, अब फिर पोजीशन देने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ ये मान लिया जाएगा कि प्रॉपर्टी उसको डिलीवर कर दी गई है, क्योंकि वो ऑलरेडी डोनी पोजीशन में है, तो यहाँ भी दोबारा से पोजीशन हैंडल करना रिक्वायर्ड नहीं होगा, नेसेसरी नहीं होगा और ये भी एक वैलिड हिबा माना जाएगा। फिफ्थ पॉइंट आपका, वेयर डोनर एंड डोनी आर को-शेयरर्स। एक प्रॉपर्टी के कई सारे शेयरर्स हो सकते हैं, एक से ज्यादा शेयरर्स हो सकते हैं, तो जहां मान लेते हैं एक प्रॉपर्टी के दो शेयरर हैं, एक ने दूसरे को, ए ने, ए और बी दो प्रॉपर्टी के
होल्डर्स हैं, शेयर्स को होल्ड कर रहे हैं, ए ने बी को अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर दिया, इस कंडीशन में भी ए को बी को पजेशन दे